अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ तुर्किश हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही मज़े का बनता है, ये बर्फ़ी आप इसे कह लें, बहुत मज़े का बनता है। इसके लिए ये मैंने वाइट तिल लिए हैं, इनको भून रही हूँ, स्लो ही आँच पे भूनना है, आँच को तेज़ नहीं रखना ताकि ये जले ना। इसको हिलाते हुए इस तरीके से वो इनको भून लेना, ये बहुत जल्दी जल जाते हैं, हिलाते हुए भून लेना। और भून के मैं किसी बर्तन में निकाल लूँगी और इसी कढ़ाई के अंदर दूध, 2 कप दूध डाल के उसको उबलने के लिए रखूँगी। ये बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है, ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है। वो मैंने निकाल लिया, अब उनको पीस लूँगी और दूध मैंने उबलने के लिए रखा है 2 कप। अब ये इनको पीस रही हूँ, ये मसाले वाली डब्बी में इस तरह डाल के पीस लेना है, इनका पाउडर बना लेना है। ये बहुत ही जल्दी और बहुत मज़े का बनता है, आप इसे बनाएं सर्दियों में, इस तरह फ्रिज में रख के आप इस्तेमाल कर सकते हैं 2 से 3 हफ्ते तक भी। कि अब मैंने सारा इस तरह बना के पाउडर बना लिया है। अब इसके अंदर ये तिल भी मैंने पीस लिए हैं, कंडेंस मिल्क 1/2 कप, मिल्क पाउडर 1/2 कप, सब्ज़ इलायची का पाउडर 1/2 टीस्पून, और ये नट्स में पिस्ता और बादाम लिए हैं मैंने। ये दूध उबलने लगा है, अब इसके अंदर दूसरी चीज़ें ऐड कर दूंगी। ये दूध मैंने इसके अंदर वो 2 कप डाला है, ये ताकि वो जल्दी आसानी से बन जाए। अब मैं दूसरी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, ये कंडेंस मिल्क 1/2 कप है, और अब मैं इसके अंदर मीठा भी नहीं ऐड करूँगी, ये कंडेंस मिल्क के साथ ही ये मीठा हो जाएगा और इस तरीके से ये जल्दी भी बन जाएगा। और साथ ही मिल्क पाउडर भी 1/2 कप ऐड कर रही हूँ, और सब्ज़ इलायची भी डाल दूंगी। ये अगर आपने ये कंडेंस मिल्क और मिल्क पाउडर नहीं डालना तो आप फिर 6 कप दूध ले, 1.5 लीटर दूध ले लें और उसको चूल्हे पे रखें, और जब 2 कप रह जाए बाकी सारा खुश्क हो जाए, और 1/2 कप उसके अंदर चीनी डालें, और जब 2 कप रह जाए तो फिर उसके अंदर ये आप डाल के, ये जो पीस के रखे हैं भून के पीस के वो तिल, सेसमी सीड, तो वो इसके अंदर ऐड कर दें। उस तरीके से भी बन जाता है। और अगर आपने क्विक बनानी है रेसिपी तो आप ये कंडेंस मिल्क और मिल्क पाउडर डाल लें। अब जो मैंने पीस के रखे हैं वाइट तिल, वो इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं, और इसको आप हिलाते जाना है, ये इसके अंदर फूल जाएगा और ये दूध जो है ये खुश्क हो जाएगा, इसके अंदर जज्ब हो जाएगा और भूनते हुए ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, इसी तरीके से आप करें। और 1 टेबल स्पून इसके अंदर घी जाएगा, आप देसी घी ले लें या फिर दूसरा ले लें, सिर्फ 1 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा। और इसको अभी मैं हिलाऊँगी, थोड़ी देर के लिए भूनूंगी, बिल्कुल ये खुश्क हो जाएगा। फिर इसको किसी प्लेटर में निकाल के इसको बर्फ़ी की तरह बना लूँगी। ये अब भून चुका है, ये आप देख सकते हैं, वो बर्तन भी इसने छोड़ दिया है, और 1 ही टेबलस्पून इसके अंदर मैंने घी डाला है। और ये कंडेंस मिल्क जो है ये आप घर पे भी बना सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, मैंने वो उसकी रेसिपी दी हुई है, या आप वो खुद बना लें या फिर वो बाज़ार से ले लें, नहीं तो आप फिर वो दूध ज़्यादा लेके उसको ज़्यादा उबाल लें, वो खुश कर लें, उस तरीके से भी आसानी से बन जाता है। अब इसको मैं एक बर्तन में निकाल रही हूँ जिसके अंदर इसको जमाऊँगी। ये उसको मैंने ग्रीस वगैरह कुछ नहीं किया, वो जो प्लेटर है इसके अंदर डाल के आप स्पैचुले से इसको दबा के इस तरह कर लेना है, और जितना आपने मोटा रखना है वो उतने, वो जितने आपने बनानी है बर्फ़ी की तरह, थोड़े अगर ज़्यादा मोटी बनानी है तो आप इस तरह ज़्यादा कर लें, नहीं तो बर्फ़ी की तरह। आप इसको जमने के लिए या तो आप फ्रिज में रख लें या रूम टेम्परेचर पर इसे ठंडा होने दें, ये 3 से 4 घंटे में ठंडा हो जाएगा। और ऊपर मैंने पिस्ते और बादाम को इस तरह स्लाइस में काटा हुआ है, वो डाल के स्पैचुले से मैंने वो कर दिया है। अब ठंडा जैसे ही होगा फिर मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं ठंडा हो चुका है, जम चुका है, आप बर्फ़ी की तरह ये क्यूब्स आप अपनी मर्ज़ी से काट लें, टुकड़ियाँ जितने साइज़ की भी आपने काटनी है। ये आप देख सकते हैं स्मूथली वो कट हो रहा है इस तरह, ये बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होगा, ये बर्फ़ी की तरह जैसे सॉफ्ट होता है इस तरीके से। यह आपको मैं दिखाती हूँ, आप इसको बना के ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही मज़े के बनती है। और आजकल सर्दियों में इसकी वो रेसिपी आप बनाएं, या आप तुर्की शलफा भी कह सकते हैं, इसको बर्फ़ी भी कह सकते हैं।
आप इसे बनाएं, ट्राई करें, ये बहुत ही मज़े की बनती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।